डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम नीट और जेई स्टूडेंट्स के लिए मोशन इन स्ट्रेट लाइन टॉपिक से प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं उनको हम यहाँ पर उनका एक कलेक्शन यहाँ पर लेने वाले हैं। उन प्रॉब्लम्स को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं ये सीखेंगे, किस तरह से हम अपना कॉन्सेप्ट यूज करते हैं उनको सॉल्व करने में, और कुछ क्वेश्चन में कुछ शॉर्ट कट मेथड भी, ट्रिक्स भी हैं, वो भी हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, तो मैं पहला क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज, ए पार्टिकल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन विथ रिटार्डेशन प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट इट्स लॉस इन काइनेटिक एनर्जी फॉर एनी डिस्प्लेसमेंट एक्स इज प्रोपोर्शनल टू आंसर दे रखा है एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स एक्स लॉग ऑफ एक्स ऑन बेस ई। तो ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पर रिटार्डेशन यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल है, डिस्प्लेसमेंट एक्स के। तो देखिए ए इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो ए इज इक्वल टू ये कॉन्स्टेंट इन टू एक्स। मैंने जानबूझ के माइनस साइन ले रखा है या लिया है यहाँ पर, क्योंकि रिटार्डेशन की बात करता है, तो रिटार्डेशन तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को कहते हैं, तो नेगेटिव हो गया। अब ए ये होता है डी वी बाई डी टी इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में मैं डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, डी एक्स से डिवाइड भी कर देता हूँ, तो क्या मिलेगा, डी एक्स अपॉन डी टी इंटू डी वी बाई डी एक्स। क्या किया, डी एक्स से मल्टीप्लाई किया, डी एक्स से डिवाइड भी कर दिया, इक्वल टू माइनस के एक्स। अब डी एक्स बाई डी टी का मतलब हो गया वी वेलोसिटी, साथ में रख दिया डी वी इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है, और ये डी एक्स को मैं उस तरफ ले जाता हूँ ऐसा। ठीक, तो क्या मिला, अब इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, यही इंटीग्रेट कर देते हैं। चलो इंटीग्रेट किया फ्रॉम जीरो टू एक्स, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हम जीरो लेते हैं, फाइनल डिस्प्लेसमेंट एक्स, इनिशियल पोजीशन जीरो, फाइनल पोजीशन एक्स। तो इनिशियल वेलोसिटी मान लो यू है, फाइनल वेलोसिटी वी, तो यू से वी तक के होगा। तो दोनों तरफ डिफरेंट इंटीग्रेट करो तो क्या मिल गया, वी स्क्वायर बाई टू लिमिट यू से वी इज इक्वल टू माइनस के को कॉमन ले लिया, बाहर कर लिया, एक्स को इंटीग्रेट किया तो एक्स स्क्वायर बाई टू जीरो से एक्स। तो हमको मिल गया वी स्क्वायर बाई टू माइनस यू स्क्वायर बाई टू, लिमिट रखने पर वी की जगह वी रखेंगे, फिर यू की वी की जगह यू रखेंगे, आपस में घटा देंगे, इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर बाई टू। ओके, अब दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर दो, m यानि मास ऑफ द पार्टिकल, उस पार्टिकल के मास से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिल जाएगा, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस के एम एक्स स्क्वायर बाई टू, दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई किया। तो ये तो हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या मिला, नेगेटिव, नेगेटिव मिला माने लॉस। यदि चेंज पॉजिटिव आ रहा है तो गेन, चेंज नेगेटिव आ रहा है तो लॉस। तो ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हुआ, क्योंकि इधर नेगेटिव साइन आ रहा है, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू
इसमें कितना होगा नहीं पूछा है, किसके प्रोपोर्शनल है पूछा है, तो के एम टू ये सब कांस्टेंट, तो किसके प्रोपोर्शनल, एक्स स्क्वायर के। तो लॉसिंग काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल मिलेगा। ठीक, तो इट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। देख रहे हो कि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज करने पड़े हैं, एक तो प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन वो कॉन्सेप्ट, दूसरा रिटार्डेशन का कॉन्सेप्ट, तीसरा इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट, और चौथा काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट। और वो भी काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आया वो निगेटिव आया, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि निगेटिव आया तो क्या होगा, लॉस, पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा, गेन। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सेकेंड क्वेश्चन देता हूँ, और इसको 2 मिनट वीडियो पॉज करके खुद से बनाने की कोशिश भी करना, खुद से सॉल्व करने की कोशिश भी करना है आपको। ठीक, तो सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2, ए स्कूटर गोइंग 10 meters per second turns right through an angle 90 degrees if speed remains unchanged the change in velocity is कि वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है इसको बारे में आपको बतलाना है। तो चलिए वीडियो पॉज करें, बनाना स्टार्ट करें, तब तक मैं आपको ऑप्शन लिख के दे देता हूँ। 20 meters per second इन साउथवेस्ट डायरेक्शन, बी 0, सी 10 meters per second इन साउथर्न डायरेक्शन एंड डी 14.14 meters per second इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ये आपका क्वेश्चन है, तो मैं समझता हूँ कब तक आपने बना लिया होगा। अब इसमें भी देखो कि कॉन्सेप्ट क्या क्या आ रहा है, एक तो डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट आ रहा है, दूसरा चेंज इन वेलोसिटी का। अब आप कहोगे कि वेलोसिटी में कैसे चेंज हुआ, 10 मीटर से जा रहा था इस तरफ, 10 मीटर से जाने लगा राइट एंगल से मुड़ करके इस तरफ, तो मैग्नीट्यूड तो चेंज हुआ नहीं, क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और आपको मालूम है कि वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड चेंज तो चेंज, डायरेक्शन चेंज तो भी चेंज, दोनों चेंज तो भी चेंज, कोई भी एक चेंज हो जाए या दोनों चेंज हो जाए तो चेंज हो जाता है। तो एक तो यहाँ पर अपने को डायरेक्शंस के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ईस्ट में हम जा रहे थे, वहां से हम राइट की तरफ मुड़ रहे हैं, तो ईस्ट के राइट में कौन सा डायरेक्शन होता है, ईस्ट के लेफ्ट में कौन सा डायरेक्शन होता है, आपको ठीक से मालूम होना चाहिए। तो यदि आप ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो राइट में कौन सा डायरेक्शन आएगा, साउथ, साउथ डायरेक्शन आएगा। ठीक है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी ईस्ट की तरफ थी v1 = 10 इन मीटर पर सेकेंड, उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ अभी, और फाइनल वेलोसिटी साउथ की तरफ हो गया। ध्यान देना कि दोनों वेलोसिटी इनिशियल को भी फाइनल को भी एक ही पॉइंट से बनाना, ये आपका v2 हो गया, ये भी वही 10 मीटर पर सेकंड के बराबर है, और फिर फाइनल को इनिशियल से मिला देना, ये तो ये होगा चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल डायरेक्शन, इनिशियल से
फाइनल की तरफ जो डायरेक्शन आ रहा है ये डायरेक्शन, दिस इज द चेंज इन वेक्टर। कैसे होगा आप देख सकते हो, मान लो कि O है, ये P है, ये Q है, तो OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इज इक्वल टू OQ वेक्टर, हुआ कि नहीं। अब OP वेक्टर क्या है, तो OP वेक्टर तो मेरा V1 है, प्लस PQ वेक्टर पता नहीं, इसको मैं मालूम करना है, OQ वेक्टर मेरा V2 है, तो PQ वेक्टर क्या मिला, ये मिला V2 माइनस V1। द फाइनल माइनस इनिशियल मीन्स चेंज इन वेलोसिटी। तो PQ जो है ये हमारा चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो इस कितना होगा, आप इस राइट एंगल ट्रायंगल से कैलकुलेट कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर, मैग्नीट्यूड तो निकाला ही जा सकता है। तो डेल्टा वी बराबर होगा वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10 का स्क्वायर 100, तो हो गया 200 में से 100 बाहर 10, भीतर बचा रूट 2, यानी 10 इंटू 1.414, तो आ गया 14.14 मीटर पर सेकेंड। ये तुमको मिल गया, ठीक है। अब ये किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन को आप यहाँ पर शिफ्ट कीजिए, इसी डायरेक्शन को यहाँ शिफ्ट कीजिए, तो ये शिफ्ट हो गया, इस डायरेक्शन में है ये, तो किस डायरेक्शन मिल रहा है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। तो देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ 14.14 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ वेस्ट, ये साउथ और वेस्ट के बीच में है, इसलिए इसको कहते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन। तो बस ऐसे ही अब आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाने हैं, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन लिखना कंप्लीट हो जाए आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोशिश करना, ठीक है। तो नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री, द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय ए बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज 40 मीटर पर सेकेंड इन 2 seconds एंड 70 मीटर पर सेकेंड इन 4 seconds। The initial velocity is तो बच्चों वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करो, तब तक मैं आंसर आपको लिख के दे देता हूँ। 0 2 meter per second 4 meter per second एंड लास्ट है 10 meter per second। तो वीडियो पॉज करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करना है।
तो बच्चों अभी तक आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। अब जरा देखें, लेट इनिशियल वेलोसिटी यू है, यू यही हमको मालूम करना है कि क्या है, एंड एक्सेलरेशन मान लीजिए ए है, एक्सेलरेशन ए के बराबर है। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो 2 सेकंड बाद कहता है वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड है, तो एक इक्वेशन बन गया 40 इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टू, राइट। और फिर दूसरा इक्वेशन दूसरे डेटा से हमको मिल गया कि v हो गया 70 मीटर पर सेकंड कब, 4 सेकंड के बाद, ठीक है। तो ये 2 इक्वेशन आपको अवेलेबल हो गए, इन दोनों को सॉल्व करके हमको u बतलाना है कितना होगा, u निकालना है, ठीक। तो चलो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा, 4ab हो गया दोनों, और फिर घटा देते हैं तो a वाला टर्म जो है कैंसिल हो जाएगा, तो मैंने घटा दिया, ये घटा दिया, ठीक। तो 4a तो कैंसिल हो गया ये, अब 2u में से u बचा, घटा तो क्या बचा u, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 हो गया, 70 घटेगा तो क्या बचेगा 10। तो इनिशियल वेलोसिटी उस मोशन का होना चाहिए 10 मीटर पर सेकंड के बराबर, राइट, 10 मीटर पर सेकंड इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द मोशन। अगले क्वेश्चन में आते हैं नंबर फोर। अब बिल्कुल ऐसे ही करना, जैसे मेरा क्वेश्चन लिखना बंद हो जाए वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो 4, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाई फोर एक्स इज इक्वल टू ए प्लस 2b⁴। द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट एनी इंस्टेंट तो किसी भी समय पर उस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी बतलाना है। तो वीडियो पॉज करें, क्वेश्चन स्टार्ट करें, मैं तब तक आंसर आपको दे देता हूं। तो a प्लस 2b⁴ / 4 2b a + 2b/4 और लास्ट है 2b t³। तो बच्चों अब तक आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, अब मेरे साथ आगे बढ़ो। तो हमको दिया है 4x = a + 2bt⁴। ये एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट को शो करता है, किस पर, t टाइम पर, ठीक है। हमको वेलोसिटी पूछा है तो डिस्प्लेसमेंट को डिफ्रेंशिएट कर दें, वेलोसिटी मिल जाएगा। तो डिफ्रेंशिएट करें तो क्या आ गया, dx/dt, ये तो कांस्टेंट है, डिफ्रेंशिएट किया तो 0 प्लस 2b, और t⁴ को हम जब डिफ्रेंशिएट करके आ जाएगा 4 × t³, ये 4 दोनों तरफ से कैंसिल, तो v हमको मिल रहा है 2bt³। तो लास्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है, लास्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। तो अगले क्वेश्चन में आते हैं नंबर 5, करना बिल्कुल वैसे ही, जैसे क्वेश्चन लिखना बंद हो जाए वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ए ट्रेन
a train. A train passes an electric pole in 10 seconds. In 10 seconds. And a bridge of length 2 kilometers in 110 seconds. The speed of the train is ट्रेन का हमको स्पीड बताना है। वीडियो पॉज करें, क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करें, तब तक मैं आंसर आपको ले देता हूँ। 18 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर, ये आपके आंसर्स हैं। तो बच्चों, अब तक आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा, बन भी गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। बस ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए कि एक पोल को कोई ट्रेन क्रॉस करता है, इसका मतलब अपनी लेंथ को क्रॉस करता है। और यदि ब्रिज को क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब कि ब्रिज की लेंथ और अपनी लेंथ दोनों को क्रॉस करता है। ठीक है, तो लेट लेंथ ऑफ द ट्रेन मान लीजिए एल मीटर है, एंड लेंथ ऑफ द ब्रिज ये तो दिया हुआ है लेकिन किलोमीटर में दिया है, इसको मीटर में बदल दें तो 2000 मीटर आ गया। एंड वेलोसिटी ऑफ ट्रेन मान लेते वी इन मीटर पर सेकेंड, सब कुछ मीटर पर सेकेंड में मीटर में रखना है, एसआई में रखेंगे। ठीक है, अब अपने अब वो किसी पोल को क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब कि अपनी लेंथ को क्रॉस कर रहा है। तो जो पहला टाइम है टी वन, ये एल डिस्टेंस को क्रॉस कर रहा है, अपनी लेंथ को ही क्रॉस कर रहा है, एल डिस्टेंस को क्रॉस कर रहा है, तो कितना हो जाएगा एल बाई वी, एल अपॉन वी, तो कितना हो गया 10 सेकेंड लिया उसने, इज इक्वल टू एल बाई वी, और इसलिए एल इज इक्वल टू 10 वी। तो L की वैल्यू हमने V के टर्म्स में निकाल ली। अब जो दूसरा टाइम है T2, ये उसने ब्रिज क्रॉस करने में लिया है, और ब्रिज क्रॉस करने का मतलब है ब्रिज की लेंथ प्लस उसकी अपनी लेंथ। कितनी वेलोसिटी से क्रॉस कर रहा है, तो V वेलोसिटी से क्रॉस कर रहा है, तो इतना टाइम मिलेगा। ये टाइम हमको दे रखा है 110 सेकेंड, तो 110 इज इक्वल टू 2000 प्लस एल की वैल्यू मैंने रखा 10 वी बाई वी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है फॉर वी, हमको वेलोसिटी तो पूछा है ना, तो वी के लिए सॉल्व करें, तो इस तरफ ले आओ तो 110 वी, इस 10 वी को इस तरफ ले आओ तो -10 वी इक्वल टू 2000, तो 100 वी बराबर 2000, तो वी इज इक्वल टू आपको मिल गया 20, बट इन मीटर पर सेकेंड। एंड आंसर्स आर गिवेन इन किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड बनाने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना हो तो आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। तो इसको हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर दें तो यह आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में। ठीक है ना, 5 से डिवाइड किया, 4 बार गया, 4 से मल्टीप्लाई किया, 72, तो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उस ट्रेन के पास है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ है। ठीक है, ये जेई का क्वेश्चन है। तो देखो, द इनिशियल वेलोसिटी
the initial velocity of a particle is u curve at t equal to 0. ये ना भी देता तो भी हमको मालूम है कि t equal to 0 पर जो है वो इनिशियल है. एंड द एक्सेलरेशन f इज गिवन बाई f इक्वल टू ए टी. एंड इसका जो एक्सेलरेशन है वो टाइम डिपेंडेंट है, टाइम के साथ साथ बढ़ता जा रहा है. f इज इक्वल टू ए टी. विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन which of the following relation is valid? तो सही रिलेशन कौन सा है आपको बताना है. तो चलिए थोड़ा सा आंसर लिखने का भी वेट करो. तो पहला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी स्क्वायर, यानी क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी. v इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अगला दिया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. एंड लास्ट दे रखा है v इक्वल टू यू. इसमें से कौन सा आंसर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपको मालूम करना है. तो चलिए अब वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो. हो गया. चलिए यहां इसने एक्सेलरेशन को दिया है f, और f बराबर ले रखा है at. f इज इक्वल टू at. निश्चित रूप से a कोई कांस्टेंट होगा. अलग क्वेश्चन कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन कुछ दिया भी नहीं है तो हम इसको कांस्टेंट लेके चलेंगे. अब f द एक्सेलरेशन मीन्स dv बाई dt इक्वल टू at. तो dv बराबर हो गया at dt. ठीक, at dt. तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो. dv कहाँ से कहाँ तक, तो u इनिशियल वेलोसिटी u दे रखा है, तो u से v तक इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ at dt. कहाँ से, 0 से लेकर t तक. u कब था, 0 पर, t इक्वल टू 0 पर. v कब आ रहा है, मान लो t टाइम पर आ रहा है. अब इसको इंटीग्रेट करो, आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो dv को इंटीग्रेट किया तो क्या हो गया, v लिमिट u टू v इज इक्वल टू a कांस्टेंट बाहर, t को इंटीग्रेट किया तो t स्क्वायर बाई टू लिमिट 0 से t. राइट, तो लिमिट रखें तो v माइनस u इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर. अब u उस तरफ चला जाएगा तो क्या मिलेगा, v इक्वल टू u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. तो देखो यहाँ पर कई बार बच्चे at को ही a को ही एक्सेलरेशन मान लेते हैं, तो ये एक्सेलरेशन इनटू टाइम है ऐसा समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है. इसने साफ लिखा है एक्सेलरेशन f, यानी एक्सेलरेशन को f से दिखा रहा है. सिंबल थोड़ा चेंज कर रखा है, और हम जो एक्सेलरेशन का सिंबल लेते हैं a, उसको इसने यहाँ पर कांस्टेंट ले रखा है. ठीक है ना, कांस्टेंट ले रखा है. फिर एक्सेलरेशन का डेफिनेशन हमने यूज किया, dv बाई dt. डेफिनेशन होता है dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. और फिर उसको थोड़ा सा आगे सॉल्व किया तो हमको अपना आंसर मिल जाता है. ठीक है, तो मेरे ख्याल से सबको ये समझ में आ गया होगा. तो अगले क्वेश्चन हम आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवन. ए पार्टिकल मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन ए
along a straight line such that its displacement at any time t is given by किसे दे रहे हैं s इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस सिक्स टी स्क्वायर प्लस थ्री टी प्लस फोर इन मीटर मीटर में द वेलोसिटी वेन एक्सेलरेशन इज जीरो एच तो जिस टाइम पर इसका एक्सेलरेशन जीरो होगा उस टाइम पे वेलोसिटी कितनी होगी ये निकालना है तो चलिए वही काम कीजिए वीडियो पॉज करिए क्वेश्चन ट्राई कीजिए मैं तब तक आंसर लिख देता हूँ 3 मीटर पर सेकेंड माइनस 12 मीटर पर सेकेंड 42 मीटर पर सेकेंड एंड माइनस 9 मीटर पर सेकेंड ठीक है तो बच्चों अब तक आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा चलिए यहाँ पर वेलोसिटी भी यहाँ पर एक्सेलरेशन भी दोनों बातें निकालनी हैं क्योंकि जिस टाइम पे एक्सेलरेशन जीरो होगा उस टाइम पे हमको वेलोसिटी मालूम करना है तो वेलोसिटी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफ्रेंशिएट करने पे हमको वेलोसिटी मिलता है दोबारा डिफ्रेंशिएट करने पे हमको एक्सेलरेशन मिलता है तो चलिए एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिए तो क्या मिल गया वी डी एस बाई डी टी डिफ्रेंशिएट करो तो क्या आ गया थ्री टी स्क्वायर माइनस ट्वेल्व टी प्लस थ्री और इधर डिफ्रेंशिएट करेंगे फोर को तो जीरो हो जाएगा और फिर इसको हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा तो एक्सेलरेशन क्या हो गया 60 माइनस 12 ये फिर जीरो हो गया ठीक तो एक्सेलरेशन कब जीरो होगा यहाँ से निकालो और जिस टाइम पे एक्सेलरेशन जीरो हो रहा है उस टाइम की वैल्यू ऊपर रख दोगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा सिंपल ठीक है तो इफ ए इज इक्वल टू जीरो तो इसका मतलब 60 माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड और t यदि 2 सेकेंड है तो यहाँ से v की वैल्यू निकाल लो तो v इज इक्वल टू 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 12 t की वैल्यू 2 प्लस 3 तो 12 माइनस 24 प्लस 3 तो 12 में से 24 घटा तो माइनस 12 माइनस 12 में 3 जुड़ गया तो माइनस 9 तो माइनस 9 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट व्हाट टाइम एट व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो देन इट्स वेलोसिटी इज दिस मच ठीक तो इस तरह के क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से नीट और जेई में पूछे गए हैं जहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन का भी यूज होता है और कुछ अलग कुछ अदर कॉन्सेप्ट्स का भी यूज हमको करना पड़ता है तो बच्चों इसके कुछ और क्वेश्चन मेरे पास और कलेक्शन है वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार जय हिंद